देखो, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो ये है कि जो हेड है, हेड रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो हेड की हम लोकेशन देखते हैं कि क्या लोकेशन है हेड की, किस तरह से हेड लगा रहता है। तो लोकेशन ऑफ हेड, ठीक है। देखो, फॉर यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर फॉर ईच फ्लैटर फॉर ईच प्लेटर टू हेड्स आर यूज, टू हेड्स आर यूज, ठीक है। यानी कि टू हेड्स का मतलब है कि अगर हम प्लेटर को ऐसा देख रहे हैं, जैसे मान लो कि ये है प्लेटर, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, तो एक हेड जो है वो अपर, यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ पर ये हमारा सपोज हम यहाँ पर एक अपर सरफेस के लिए और एक हेड लोअर सरफेस के लिए, तो प्लेटर में दो सरफेस होंगे। जैसे मतलब प्लेटर में दो सरफेस का मतलब क्या है, जैसे मान लो, एज्यूम, जैसे मान लो कि ये पेज है, ठीक है, दिस इज पेज, ये पेज है। अब इस पेज का दो सरफेस है, इस पेज की दो सरफेस, एक सरफेस ये है और एक सरफेस इसके नीचे वाली है, यानी कि ये दो सरफेसेस है, सरफेस वन सरफेस टू। तो अब हेड की पोजीशन, एक हेड होगा जो इसके ऊपर लिखेगा अपर सरफेस, और एक हेड होगा जो इसके नीचे लिखेगा, यहाँ पर नीचे लिखने के लिए और ऊपर लिखने के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर हम आपको दिखा रहे थे ये, इसमें यहाँ पर क्या है कि ईच एंड एवरी प्लेटर हैव टू सरफेस लोअर एंड अपर। यहाँ पर पहले हम एक पॉइंट लिखेंगे कि प्लेटर हैव टू सरफेस, टू सरफेस में कौन कौन सा, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। जैसे कॉपी में हम लिखते हैं तो पेज में दो साइड होता है ना, तो उसी तरीके से प्लेटर में भी दोनों तरफ लिखा जाता है, अपर उसको हम कहते हैं सरफेस, तो वो अपर सरफेस और लोअर सरफेस। अपर सरफेस लोअर सरफेस, और ये दोनों ही सरफेस के लिए दो हेड होते हैं। तो ये हमारा हेड वन है, इसको हम कहेंगे हेड वन, और ये हमारा है हेड टू, ठीक है। अब अगर दो प्लेटर है, मान लो एक प्लेटर और है, ये एक प्लेटर की हार्ड डिस्क है, यहाँ पर दिख रहा है ये प्लेटर हमारा एक है, ये एक प्लेटर की हार्ड डिस्क है। अगर दो प्लेटर है तो हम एक प्लेटर और बना लेते हैं, एक प्लेटर और बना लेते हैं, ये हमारा प्लेटर एक और बन गया, ठीक है। और अब इसमें हमने दो आप
ये और दिखा दीजिए, एक हेड अपर सरफेस, एक हेड लोअर सरफेस। एक अपर सरफेस को रीड करेगा, राइट करेगा, और एक लोअर सरफेस को रीड और राइट करेगा। तो ये हमारा, ये हेड वन है और ये हेड टू है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और भी समझो, इसको इसको हम कहते हैं, ये है हमारा हेड आर्म, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, हेड आर्म। ये आप लोगों को हमने कल दिखाया भी था ना, इसको कहते हैं हेड आर्म, ठीक है। और हेड एक्चुअली हमारा कहाँ पर होता है, ये एरो दिख रहा है, इसको हम हेड कहें, ये हमारा है हेड, ठीक है। और ये हमारा क्या है, फ्लैटर, ये है फ्लैटर वन और ये है फ्लैटर टू, ठीक है। तो हर फ्लैटर के लिए दो हेड होते हैं, अपर और लोअर। तो अपर सरफेस होता है और लोअर सरफेस होता है, तो दो, हर प्लेटर में दो सरफेस होते हैं, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हेड्स होते हैं, ये हेड दो तरह के होते हैं, मूवेबल और नॉन मूवेबल, फिक्स हेड और मूवेबल हेड। हेड में यहाँ पे लिख लो, हेड के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के हेड होते हैं, एक होता है मूवेबल हेड और एक होता है फिक्स हेड। तो अभी जो चलता है, जो हमें मिलता है, जो मार्केट में अवेलेबल है, फिक्स हेड बहुत जल्दी आया और चला गया, तो वो हमारा मूवेबल हेड, ठीक है, मूवेबल हेड है। और हर सरफेस के लिए एक एक हेड अलग अलग होता है, ठीक है। अगर एक ही हेड होता, उसी से हम अपर लोअर करते, तो यहाँ से अगर फिक्स हेड, मान लो मूवेबल, क्या कहते हैं, एक हेड होता, सिंगल हेड, तो जो सिंगल हेड होता है, सॉरी मूवेबल नहीं, अब यहाँ पर आप कह लीजिए, हाँ मूवेबल, एक फिक्स हेड है, हेड फिक्स रहेगा, ठीक है। और ये हेड क्या करेगा, ये हेड एक ही प्लेटर पे मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, इसका मूवमेंट ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा ऐसा मूवमेंट नहीं होगा, इस तरह का मूवमेंट इसका नहीं होगा। इसका मूवमेंट कैसा होगा, इसका मूवमेंट इस तरह से होगा, यानी कि ऐसा, इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ये मूवमेंट करेगा, इसको हम मूवेबल हेड कह रहे हैं। तो पहले मूवेबल हेड आते थे, तो अब फिक्स हेड आते हैं, ठीक है। तो ये मूवेबल नहीं आते, एरो गलत लग जाता, ठीक है, ये वाला नहीं आता है। तो मूवेबल का मतलब हो गया कि हेड ऊपर नीचे मूव करेगा। तो प्लेटर है, प्लेटर पे अगर ऊपर, तो अगर मान लो तीन प्लेटर है, तो एक हेड लगा हुआ है, तो एक हेड को आना पड़ेगा, फिर उसको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे तीसरे प्लेटर पे, इस तरह से उसका रीडिंग टाइम या राइटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो क्योंकि कंप्यूटर का मतलब ही है फास्ट, तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाई गई कि ऐसा है कि हर प्लेटर के लिए हेड अलग अलग दे देते हैं, ताकि हेड को मूवमेंट ना करना पड़े, अपने अपने प्लेटर पे फिक्स रहे और अपने प्लेटर पे ही सिर्फ मूव करे, ठीक है, अपने प्लेटर पे हेड केवल मूव करे। तो अब फिक्स हेड का ही हार्ड डिस्क आती है, ठीक है। तो ये हमारा है हार्ड डिस्क और प्लेटर का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और लिख लो, मेरे जो सेक्टर्स होते हैं हार्ड डिस्क में, सेक्टर का साइज लिख लो, सेक्टर 512 बाइट, 512 बाइट का एक सेक्टर होता है। प्लेटर इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक, ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर, और साइज सेक्टर का कितना है, 512 बाइट। और जो न्यू हार्ड डिस्क अब आ रही है, ये ओल्ड हार्ड डिस्क में होगा, ओल्ड हार्ड डिस्क, पहले की हार्ड डिस्क, ओल्ड हार्ड डिस्क में सेक्टर का साइज कितना है, 512।
न्यू हार्ड डिस्क में सेक्टर का जो साइज है वो लिख लीजिए, यानी आप कह सकते हैं सेक्टर दो साइज का होता है। फोर थाउजेंड 96 बाइट। तो आप ये कह सकते हैं, पुराना नया नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कह सकते हैं 4096 बाइट का सेक्टर जिस हार्ड डिस्क में होता है वो न्यू है, और जिसमें 512 बाइट का सेक्टर होता है वो ओल्ड हार्ड डिस्क। तो ये हो गया हमारा सेक्टर का साइज, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पुराने जमाने की जो सीडी होती थी उसी प्रकार से हेड भी काम करता है, और सीडी और प्लेटर, प्लेटर और सीडी बिल्कुल सेम तरह के होते ही हैं, बस सीडी फाइबर और फाइबर की बनी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है, और जो प्लेटर होते हैं ये मेटल के बने होते हैं, एल्युमिनियम के भी बने होते हैं, और ये प्लास्टिक के भी बनाए जाते थे, लेकिन अब ये हार्ड एल्युमिनियम के और मेटल के और बहुत तरह की कई कई धातु, जिस हर कंपनी के अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, कंपनी चाहती है हम ऐसा मटेरियल लगाएं जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और कॉस्टिंग भी सस्ती हो, ताकि क्या कहते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। तो हार्ड डिस्क को बनाने में ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? इसमें क्लियर है यहाँ तक? कोई इसमें कंफ्यूजन है किसी को? एनी क्वेश्चन? सर जो पुराने जमाने की सीडी की थी किस प्रकार का, यस सर क्लियर है, ओके। और कुछ कोई क्वेश्चन किसी को? सचिन शर्मा कोई प्रॉब्लम आपको नहीं? बाकी ज्योति, हिमांशु, ज्ञानेन, रविंद्र, कनक, रितेश, सौरभ, सोनम, कोई प्रॉब्लम? सोनू, सूरज, अतुल, अमित, आदर्श, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो हम आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा है टॉपिक, ओके। अब सी ये जो हार्ड डिस्क होती है ना, अब हार्ड डिस्क में क्या कहते हैं, आपके दो टाइप टाइप ऑफ हार्ड डिस्क देखिए, यहाँ पर आप हेडिंग डालिए, छोटा छोटा टॉपिक है, अभी छोटा सा है, टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, छोटा टॉपिक टाइप ऑफ हार्ड डिस्क। टू टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट, वन इज सीरियल एंड अदर इज पैरेलल। सीरियल एंड पैरेलल, सीरियल को कहते हैं सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट एंड पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं शॉर्ट में इसी को हम कहते हैं साटा एंड पाटा,
है, आप मार्केट में जाएंगे, आप स्टार्टअप, अगर आप मार्केट में जाकर के कहेंगे हमको सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट चाहिए, तो वो कहेंगे क्या कह रहे हो, तो आपको उनकी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, वो समझेंगे साटा और पाटा। साटा पाटा बहुत इजीली समझ जाएंगे। अब ये साटा और पाटा है क्या, इसको आप देख लीजिए, ये आपने लिख लिया। यस हाँ प्रशांत, साटा पाटा इसी को बोलते हैं। अगर मार्केट में जा करके, जैसे मार्केट में आप गए, आपने मार्केट में जाकर के कहा हमको सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट हार्ड डिस्क चाहिए, तो कहें क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो मार्केट के लिए वर्ड्स हैं साटा एंड पाटा, उसका शॉर्ट फॉर्म देनो। अब इसका वो देखिए आप जो कैसा दिखता है, ये दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये आई होप के आप लोगों को दिख रहा होना चाहिए। ये दिखने में लुक्स जो होते हैं इसके, वो केबल के अकॉर्डिंगली ये साटा और पाटा मार्केट में आपको मिलेगा। ठीक है, केबल के अकॉर्डिंगली आपको ये मिलेगा साटा पाटा। एक सेकेंड, ये दिख रहा है, ये दिखा आपको अभी। ठीक है, इसमें ये जो केबलिंग इसकी होती है, ये अब लेटेस्ट में ये आता है, ये वाला। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट, ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू। और ये ओल्ड टेक्नोलॉजी का है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये पाटा, पाटा इज ओल्ड टेक्नोलॉजी, ये हमारी है ओल्ड। ठीक है, तो जब आप हार्ड डिस्क लेंगे, हार्ड डिस्क आपको लेंगे तो इसी केबल से ही पहचानेंगे, केबल के कनेक्टर से पहचानेंगे आप हार्ड डिस्क कैसा है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क को जब आप देखते हैं तो आपको यही ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है। देखिए ये यहाँ पर, ये देखिए इसमें लिखा हुआ ना, आप इसमें पाटा पावर है, साटा डेटा है, साटा पावर है, ये इस तरह का दिखता है ये। ठीक है, ये ऐसे ही दिखती है आपको, ऐसा साटा पाटा। इस तरह के भी केबल आते हैं, ये ओल्ड है, न्यू वाले ये हैं, ये नया आता है, ये न्यू वाला आपको ये दिखेगा। ठीक है, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी में ऐसे आते थे, साटा का भी ये ओल्ड वर्जन है, ये वाला, ये ओल्ड वर्जन है साटा का। ठीक है, ये देखिए आपको दिखने में ये इस तरह से लगेगा, ये हार्ड डिस्क आपकी साटा ड्राइव है और ये पाटा ड्राइव है, दिस इज योर। साटा एंड दिस इज योर पाटा। तो देख लिया आपने, समझ में आया इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? केबल इतर, हाँ केबल से ही आप पहचान लेंगे और स्लॉट से पहचान लेंगे साटा और पाटा। ठीक है, ओके। अब आपको अब हेडिंग डालिए मैग्नेटिक टेप। दिखा रहे हैं स्क्रीन, एक मिनट, ये वाला आपने लिख लिया ना, साटा पाटा वाला।
अब आप हेडिंग डालेंगे, सीरियल और पैरेलल का मतलब है, सीरियल का मतलब होता है जो डेटा की बिट्स हैं वो वन बाय वन जाती हैं, पैरेलल का मतलब है डेटा की जो बिट्स हैं वो एट अ टाइम मोर देन वन जाती हैं। पैरेलल मतलब हो गया मोर देन वन, तो मोर देन वन बिट्स कैन गो फ्रॉम पैरेलल डेटा केबल एंड इन सीरियल डेटा केबल वन बाय वन बिट्स कैन गो। ठीक है, अब आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप भी जो है ये आपका स्टोरेज डिवाइस है, इट इज स्टोरेज डिवाइस। इट इज नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल का मतलब ही क्या हो गया, इट इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। तो नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब हो गया, यूजर यूज इट फॉर परमानेंट स्टोरेज, फॉर परमानेंट स्टोरेज। और इसको हम लोग लिखेंगे इट कैन बी, इसको इजीली निकाला जा सकता है। ये मैग्नेटिक टेप जो है वो कंप्यूटर में आप बहुत कंप्यूटर में यूज करने के लिए आप बहुत इजीली इसको क्या कहते हैं रिमूव कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम डिवाइस। अच्छा, जिस चीज को आप रिमूव कर सकते हैं डिवाइस को, उस चीज को यू कैन कैरी इजिली, है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे इट यू कैन कैरी विद यू, आप इसको अपने साथ ले जा सकते हैं। यू कैन कैरी विद यू, दैट मींस ये डिवाइस कैसी है, ये डिवाइस है पोर्टेबल। जैसे पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव को आप कंप्यूटर में लगाइए और निकाल के जेब में रख लीजिए तो वो पोर्टेबल हो गई। जैसे सीडी है, सीडी को आप कंप्यूटर में लगाइए और निकाल लीजिए, बैग में रख लीजिए तो वो पोर्टेबल हो गई, तो उसे हम पोर्टेबल कहते हैं। उसी तरीके से मैग्नेटिक टेप भी पोर्टेबल होता है। और इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग और पॉइंट्स इसमें लिख लेते हैं। इसको लिख लिया था तुम लोगों ने क्या, अभी नहीं लिखा, लिख लिया था। धन्यवाद सर। पीसी पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। हाँ, मतलब देखो पोर्टेबल किसे कहते हैं, विच यू कैन इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पीसी को, लैपटॉप पोर्टेबल है, पीसी को फिक्स कर दिया जाता है एक जगह, उसको अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह उठा करके ले जाना है तो आप कैसे ले जाएंगे, उसको पूरा निकालना पड़ेगा, पूरा उसका हर तार निकालना पड़ेगा, उसको हर डिब्बे में अलग अलग पैक करना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह ले जाएंगे, फिर आप खोलेंगे, फिर लगाएंगे, तो इजिली पोर्टेबल नहीं हुआ, थोड़ा टफ पोर्टेबल है। पोर्टेबल तो है लेकिन टफ पोर्टेबल है। इजी पोर्टेबल जैसे लैपटॉप है, पेन ड्राइव है। अब हार्ड डिस्क पोर्टेबल नहीं है, हार्ड डिस्क को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको खोलना पड़ेगा हार्ड डिस्क। ठीक है, हाँ, एक्सटर्नल मेमोरी है। इसको लिख लो, पॉइंट लिखो, अभी पॉइंट लिखते रहो, और भी पॉइंट लिखो, लिख लो ये भी पॉइंट लिख लो। इट इज
एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज मेड अप ऑफ या मेड ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक ना लिख करके लिखेंगे थिन मैग्नेटिक फिल्म। और रील थिन मैग्नेटिक फिल्म और रील रील और फिल्म इज रिबन शेप्ड। रिबन शेप्ड मटेरियल रिबन शेप्ड मटेरियल रिबन शेप्ड मटेरियल। और ये जो है आपका क्या कहते हैं दिखने में कैसा होता है, बहुत सिंपल है। ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें ये आपका जो वीडियो कैसेट्स आता था पहले, वीडियो कैसेट्स ऑडियो टेप वो सब मैग्नेटिक टेप है सर। रिबन शेप्ड का मतलब होता है रिबन टाइप का, रिबन होता नहीं है जैसे मम्मी वगैरह या सिस्टर वगैरह छोटी वोटी में बांधती ना रिबन, मम्मी सिस्टर लोग ना रिबन बांधती है छोटी वोटी में, तो उसको रिबन बोल दो। रिबन मतलब होता है कैसे चपटा आकार का फीता वीता टाइप का ना, फीता बोल दो उसको, फीता। जैसे उद्घाटन में फीता नहीं काटते हैं नेता लोग जाकर के लाल वाला, तो वो जो लाल वाला काटते हैं उसे रिबन कहते हैं। ठीक है, छूट गया, बैक करें एक सेकेंड। देखो बैक होता भी है कि नहीं, नहीं बैक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, उसमें दिखा देते हैं अभी, देख लेना, रुक जाओ। जो लास्ट वाला लिखा था वो ये था, लास्ट वाला जो लिखना है तुम लोगों को ना वो इस तरह लिख लो। ये देख लो इसमें, ये वाले में ये है, दोनों लिख लो इसको। ये लो ये लिखो, लिख लिया तो बताओ। हाँ देख लो ना, यू कैन कैरी विद यू, यू कैन कैरी विद यू लिखा हुआ है। विकास हो गया, कनक हो गया, अरमान अली रिटर्न, कनक हुआ, हटाए इसको। यस अच्छा देखो इसका वो देख लो, क्या कहते हैं ये दिखता कैसे है, ये जो डिवाइस है ये दिखती कैसे है, ये देखो किधर गया इसमें, नहीं हाँ ये देखो, ये आप लोगों ने देखा होगा, अब तो खैर ये ऑब्सोलीट हो गया है, मैग्नेटिक टेप नॉट इन यूज्ड। ये मैग्नेटिक टेप है, ऑडियो कैसेट, ये देखो रिबन टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें, ठीक है रिबन टाइप स्ट्रक्चर, हाँ इसको देख लो, देख रहे हो तुम लोग,
ये देखो, ये तुम्हारा ये रिबन टाइप का स्ट्रक्चर है, इसमें रिबन्स है। ये देखो, ये इस तरह से दिखता है ये। ये देखो इसमें और भी एक, ये देखो इस तरह से आती है ये वीडियो कैसेट्स, रील, ये सब पूरा वही है तुम्हारा, क्या कहते हैं, डेटा स्टोरेज। इसको जनरली वैसे तो ये यूज होता था मूवीज वगैरह का, मूवी में ज्यादा यूज होता था इसका, मूवी को स्टोर करने के लिए। इसमें और डेटा भी, कंप्यूटर के डेटा भी स्टोर किए जाते थे पहले जमाने में, कैसेट्स के फॉर्म में ये आता था। ठीक है, और इसमें एक चीज ये लिख लो तुम लोग, और ये डेवलप हुआ था 1928 में, उसको आप लोग लिख लीजिए, इट वॉज डेवलप्ड इन 1928। डेवलप्ड इन 1928। जर्मनी, ठीक, दिखने में आपने देख ही लिया कि कैसा है ये। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन, मैग्नेटिक टेप शो स्क्रीन नहीं हो रहा है, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, ये लो अब दिख रहा है, अब आपको शो हो रहा है, मीटिंग ओवर होने वाली है, देख लो। ठीक है, बाकी इस और हम लोग मेमोरी के बारे में कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, दैट्स इट, थैंक यू।